हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के अंदर जी हम बात करने वाले हैं कनाडा के राइजिंग कोविड केसेस के बारे में एंड उसकी वजह से कितने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉकडाउन्स एज वेल एज ट्रैवल बैन को लेके। सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं कनाडा के अंदर जनवरी एंड फरवरी 2022 के अंदर। सो अगर आप या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर आने वाला है कनाडा तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे मेक श्योर उसको लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट चाहिए एंड थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। सो विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो जी वेलकम टू माय कंप्यूटर एंड सबसे पहले आपको कोविड केसेस बता देते हैं ओवरऑल कनाडा के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 11,000 केसेस हो गए थे, अब दो दिन बाद आप चेक कर सकते हो 20,699 केसेस हो गए एंड ये दिसंबर 23rd का शो कर रहा है। अभी दिसंबर 25th है, क्रिसमस डे, तो कल के दिन इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। एवरी डे 5,000 केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सो दो दिन पहले 11,000 केसेस थे, फिर 15,000 केसेस हुए, अब 20,699 केसेस हो गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव को देखते हो तो उससे डबल से भी ज़्यादा हो चुका हुआ है अभी के टाइम, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस की बात करते हैं तो आप चेक कर सकते हो क्यूबेक एड्स मोर देन 10,000 कोविड-19 केसेस इन लार्जेस्ट सिंगल डे राइज टू डेट। सो हर जगह रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। क्यूबेक के अंदर 10,000 केसेस, ओवरऑल कनाडा के अंदर 10,000 अगर केसेस आ गए थे तो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था पिछली बार एंड अभी सिर्फ क्यूबेक के अंदर 10,000 केसेस आ रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कितनी कंसर्निंग सिचुएशन है कनाडा गवर्नमेंट के लिए। अब रही बात ऑन्टेरियो की, ऑन्टेरियो कौन सा पीछे है। ऑन्टेरियो ब्रेक्स डेली कोविड-19 रिकॉर्ड अगेन विद मोर देन 9,500 न्यू केसेस एवरी डे, जो कि फिर से बहुत ज़्यादा है ऑन्टेरियो के हिसाब से। एंड क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर तो पहले ही लॉकडाउन मेजर्स लगा के रखे हुए हैं, ऑन्टेरियो ने तो अभी तक कुछ लगाया भी नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये इंक्रीज ही होता रहेगा एवरी डे। सो बीसी का भी आप देख सकते हो, ब्रिटिश कोलंबिया ने भी रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं। फोर्थ डे के अंदर वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2,441 केसेस लेके आया है कोविड-19 के केसेस। अब आप सोचोगे यार ये कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, बट बीसी के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई थी इसलिए उनके लिए ये नंबर भी बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ वेरी कंसर्निंग एंड इसीलिए बीसी ने तो पहले ही मेजर्स लगा के रख लिया हुआ है। क्यूबेक ने भी, ऑन्टेरियो के अंदर भी मेरे हिसाब से क्रिसमस एज वेल एज न्यू ईयर्स के बाद लगने वाला है लॉकडाउन। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑन्टेरियो, क्यूबेक, बीसी एंड मैनिटोबा ने फिर से रिकॉर्ड हाई कोविड-19 केसेस है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया एंड नूनावट जो कि टेरिटरी है यहाँ पे वो भी फुल लॉकडाउन के अंदर चले गई है। सो ईच एंड एवरी प्रोविंस इज गोइंग इन टू दैट लॉकडाउन फेज, जो बहुत कंसर्निंग है। इस वजह से कनाडा गवर्नमेंट ने ब्रॉडन कर दिए हैं कोविड-19 के बेनिफिट्स ओमिक्रॉन के रेस्ट्रिक्शंस को लेके। सो $300 अ वीक वो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए कनाडा गवर्नमेंट ने एक और नया प्रोग्राम लेके आया है जिसको बोलते हैं वो कनाडा वर्कर लॉकडाउन बेनिफिट। एंड इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ यू आर एलिजिबल फॉर CWLB विच इज कनाडा वर्कर लॉकडाउन बेनिफिट्स, यू कैन रिसीव $300 जो कि रफली $270 आफ्टर टैक्सेस मिलेंगे फॉर 1 week पीरियड एंड ये वही एलिजिबल हो पाएंगे जो लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं। सो ये वाला लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर आपको इंटरेस्ट है आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या एंड कैसे आप एलिजिबल हो सकते हो इस बेनिफिट के लिए। इसके अंदर और भी आप चेक कर सकते हो, कनाडा गवर्नमेंट टेम्परेली एक्सटेंड कर रहे हैं लॉकडाउन प्रोग्राम्स एंड वर्कर लॉकडाउन बेनिफिट जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि दिसंबर 22 को इन्होंने अनाउंस किया था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर दिस लॉकडाउन बेनिफिट जो अभी कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, दैट इज़ नॉट ओपन टिल 2022। इसका मतलब यही हुआ ना कि 2022 के अंदर ये लॉकडाउन लगाने के लिए फुल स्विंग के अंदर रेडी है फेडरली। अभी तो प्रोविंशियली सभी प्रोविंसेस लॉकडाउन लगा रहे हैं, बट फेडरली ये अनाउंस हो जाएगा जनवरी के अंदर एंड उसके बाद ये वाले लॉकडाउन बेनिफिट्स किक इन होंगे। अब आप देख सकते हो उन्होंने ये वाला बेनिफिट अनाउंस कर दिया है प्रायर टू गोइंग इनटू लॉकडाउन। तो अगर कनाडा गवर्नमेंट लॉकडाउन बेनिफिट्स देने के लिए रेडी है जो 2022 के अंदर जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि लॉकडाउन होने वाला है। आप देख सकते हो ये ग्लोब एंड मेल के अंदर आर्टिकल है, कनेडियंस आर फ्रस्ट्रेटेड फॉर लॉन्ग टाइम वेट्स एंड कैंसलेशन पॉलिसीज एज कोविड-19 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रिमेन अनक्लियर। सो ये वही रिटरेट करता है जो मैंने अभी आपको बोला कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेंटी है, कैंसलेशन पॉलिसी भी कनाडा गवर्नमेंट एयरलाइंस के साथ
प्लान कर रही है कि कैसे वो कैंसिलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपको याद ही होगा फरवरी 2022 के अंदर भी उन्होंने ट्रैवल बैन लगा दिया था। वो उस टाइम ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए लगाया था, फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया से एक्सटेंड किया था, बट अभी के टाइम ओमिक्रॉन वेरिएंट है। अब ओमिक्रॉन इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा फैला नहीं है, बट अगर इंडिया के अंदर भी फैल जाता है, एंड आपको पता है इंडिया के अंदर भी फरवरी के अराउंड ही इलेक्शंस है, इलेक्शंस के बाद मैजिकली इंक्रीज हो जाते हैं नंबर, पिछली बार भी यही हुआ था। एंड पिछली बार तो चलो उन्होंने इलेक्शन पीक ऑफ कोविड-19 के अंदर किया था, इस वजह से उनको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा सुनाया था, राइट? तो इस वजह से दे आर प्लेइंग इट स्मार्ट, इस बार वो इलेक्शंस करेंगे एंड उसके बाद एकदम से कोविड-19 केसेस को इंक्रीज कर देंगे इंडिया के अंदर भी, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अनदर सेट ऑफ लॉकडाउन इन इंडिया एज वेल। इसी वजह से कनेडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो तो अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल ओवर हॉलीडेज ड्यू टू ओमिक्रॉन स्प्रेड, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा एंड ट्रैवल बैन लगाना पड़ेगा, एंड अगर लोग बाहर फंसे होंगे तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं। मैं हर बार यही आपको रिपीट करता हूँ कि अगर आप इंडिया जा रहे हो कैनेडा से तो आप वहां पे फंस भी सकते हो, क्योंकि पहले लॉकडाउन लगेगा उसके बाद ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं वो। सो जी, जैसे कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन होगी हुई है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ कि आप कब आने वाले हो कनाडा एंड क्या आपका प्लान बी होगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट फ्लाइट बैन हो भी जाती है तो इनडायरेक्ट रूट अभी भी चल रहा है। सो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इनडायरेक्ट रूट के रिलेटेड एज वेल एज अराइव कैन के रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेक श्योर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। Stay safe and I'll see you in the next one.